और उसके पहले समझिए कि मजदूर सब का ही होता था, क्योंकि उसके पहले हम गुलाम और दास थे। और गांव में अगर आप सामंतवादी परंपरा को देखिए तो गांव में जो हलवाए और चरवाहे रखे जाते थे उनकी कोई मजबूरी नहीं होती थी, वो मालिक के रहमो करम पे जीता था, उसको जो देख लिया जाता था उसी और खुश रहता था। तो ये जो मजदूर शब्द है ये आधुनिक शब्द है और ये 1886 की देन है, यानी बाजार के भीतर जो अपने सोने को बेचता है वो चाहे बिहारी मजदूर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में काम कर रहा हो या किसी कारखाने में काम कर रहा हो, जो श्रम कानून के अधीन आता हो वह मजदूर है। दुर्भाग्य से आज जो सूट और टाई पहनने वाले इंजीनियर टाइप के लड़के हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो जो है ऑटोमोबाइल में हो, ये जो पढ़ा लिखा एक नया तबका निकला है ये खुद को मजदूर नहीं मानता है, वो सोचता है कि वो मालिक है, वो निहायत मूर्ख है। मैं बात कर रहा था कि लाल सलाम का नारा क्यों दिया गया, तो मजदूरों में सफेद कपड़ा लेके, सफेद शांति का प्रतीक होता है, उन्होंने कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, हमको मांगने आए हैं। देखिए रामायण का भी जो है इतिहास गवाह हमारे सामने, कि सीता का अवतार हुआ तो राम कहे कि आप सीता को वापस कर दीजिए, हम युद्ध नहीं चाहते। महाभारत जब हुआ तो अर्जुन जैसा योद्धा भी प्रेरणा उनके साथ बन चुका रहा, कृष्णदेव दुर्योधन से कहे कि हमको हमारा हक दे दीजिए, हम युद्ध नहीं चाहते। ना दुर्योधन माना ना रावण माना, दोनों सत्ता में बैठे थे। सीतावर में जब वो मजदूर जा रहे थे तो सफेद कपड़ा लेके गए कि हम आपसे मांगने आए हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं। लेकिन उनके ऊपर इतनी गोलियां चली कि वो कपड़ा लाल हो गया और कम से मजदूरों ने इस मुल्क के पूरी दुनिया के भीतर लाल सलाम का नारा लगाना शुरुआत किया या लाल